बढ़िया जगह है। आज तो पूरा दिन मजा ही मजा है। बॉस बॉस, सामने वाली जगह पे रिसीवर पॉइंट्स लगा दिए गए हैं। ये कौन बोला? मतलब कोई जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अरे कौन से रिसीवर पॉइंट की बात कर रहे हो तुम लोग? सच सच बताओ। ये तो मोटू है, ये कहाँ से आ गया? हमने कुछ नहीं लगाया है। तुमसे पूछने के कई तरीके हैं मेरे पास। बताता हूँ, सामने वाली जगह पे रिसीवर पॉइंट्स लगा दिए गए हैं। जब मेरा बॉस यहाँ से बटन दबाएगा, पूरा एरिया खाली हो जाएगा, क्योंकि मेरे बॉस को 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कुछ विदेशी कंपनी यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहती हैं, उनको यहाँ सब खाली चाहिए। तुम्हारा बॉस कहाँ है बताओ, उसकी अभी खबर लेते हैं। अरे उनकी खबर मत लेना, बहुत बुरी तरह मारते हैं। आपको बताओ कैसे मारते हैं? हाँ बताओ। क्यों मार रहे हो? अरे छोड़ो ना। अरे समझ गया रे। अरे ये तो जॉन का आदमी नंबर वन है। वे मेरी दाढ़ी। अरे ये नंबर वन मुझे उल्लू बना के भाग गया रे। अब रिसीवर पॉइंट कहाँ है ये कौन मुझे बताएगा? जॉन आएगा, रिमोट दबाएगा और सब खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो गई रे। आइडिया झटका, आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जॉन जब इस एरिया में आए तो एरिया उसे दिखाई ही ना दे, पूरा एरिया ही बदल जाए। कोई मेरे पे मेरी हेयर कर सकता हो? एक मिनट रुको। इस गैजेट की मदद से मैं इस जगह को फ्री पार्क में बदल देता हूँ यारी। लाओ लाओ, मैं दबाऊंगा। ये दबा दिया। हाँ मेरे पैर यार, तुमने ये क्या किया? तुमने फ्री पार्क की जगह पे डायनासोर पार्क की बटन दबा दिया यार। क्या होगा? ये क्या हो रहा है? चलो चल के देखते हैं कि डायनासोर पार्क में सच में डायनासोर है क्या। उड़ी पापा, हम तो नहीं जाएगा, हमको डर लग रहा है। चलो वापस घर चलते हैं। अरे कोई घर नहीं जाएगा, चलो सब लोग। चलो यार। उड़ी पापा, इतना अजीब जगह है। कितनी सुंदर जगह है। अरे वाह 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 वाह, कितने खूबसूरत पेड़ है, इतनी अच्छी जगह। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मैं आसमान की तरफ जा रहा हूँ। अरे मोटू अपनी आंखें खोलो जल्दी, अपने ऊपर नीचे आगे पीछे देखो तो। मतलब तुम्हारी आवाज इतनी दूर से क्यों आ रही है? कहाँ हो तुम? मतलब भैया मैं इतना ऊपर कैसे आ गया? ये कुछी कुछी को। अरे अरे नहीं, अरे तो क्या? उड़ी बाबा, ये तो बहुत ही खतरनाक जगह है। जल्दी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। उड़ी बाबा, ये आवाज किसकी थी? क्या हो रहा है? बाबा, अरे
हेल्प। अरे एरिया कहाँ गया? बॉस बॉस एरिया था जब मैंने रिसीवर पॉइंट लगाए थे। और हाँ, हमने मोटू पतलू को भी देखा था। ये जाकर बढ़ जा रहा है। चलो देखते हैं, जरूर मोटू पतलू का किया धर होगा। बाबा उठाओ मुझे, भागो जल्दी भागो। इन्होंने कोई भूत देख लिया है क्या? ये कैसा तूफान आया है? हमें किसने जमीन में दबाया है? वाह बहुत वाह, क्या कविता सही है। अरे तुम्हें कविता की पड़ी है? यहाँ कोई हमें जमीन में दबा कर कुचल कर चला गया। पता करो कौन है, कौन है? एक गुफा है, चलो वहाँ छुपती है, चलो घर। रुको, मोटू ये केरला में डायनासोर पार्क कहाँ से आया है? जरूर डॉक्टर झटका ने कुछ चक्कर चलाया है। वाह जॉन वाह, क्या कविता कही है। कविता को छोड़ो, डॉक्टर झटका सब कुछ वापस नॉर्मल करो। वही कोशिश तो कर रहा हूँ। हुआ क्या? गुफा के अंदर ये पानी कहाँ से टपक रहा है? चलो सब वहाँ चलो। बड़े भैया, किस जमाने की कलाकृति है? दांत जैसे काट काट के बनाए हैं। दांत बनाए नहीं, दांत है। लगता है हम लोग डायनासोर के मुंह में हैं। क्या? डायनासोर के मुंह में? पर तू भागो रे, भागो रे। जल्दी निकलो। वो फिर से आ रहा है। वो रहा मेरे लैपटॉप। ओए मेरी प्राइमरी यार, लाओ रिमोट दो जल्दी। बड़े भैया लगता है रिमोट तो गार्डन में ही गिर गया। सब ठीक हो गया हो तो मैं अपना बटन दबाओ। मुझे 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है ये पूरा एरिया डिजॉल्व करने के लिए। अरे इतना कुछ हो गया और तुम्हें अपने बटन की पड़ी है? डॉक्टर छक्का,
इसे भी डायनासोर एरा में भेज दो। नहीं, अरे कोई मजाक भी नहीं कर सकता क्या? अरे हम भी तो मजाक ही कर रहे थे, डायनासोर एरा में नहीं, मैं तो जेल जाना है। रात में कितना सुंदर दिखता है चार मीनार, चलो आगे चलते हैं। कोई नहीं है, कोई नहीं है। आपके फोटोज कैसे आए हैं, दिखाइए। हाँ हाँ देखिए ना। साइकिल चलाने वास्ते कुछ मिलेगा क्या? आपके पास कुछ है? अरे ये तो वही भूतनी है जिसके बारे में सुना था। गाड़ी वाली भैया तुम तो ना को भागो, कैंडल जलाने वास्ते कुछ तो दो। लोग इतनी स्पीड में क्यों भाग रहे हैं? क्या हुआ? भाई साहब कुछ बताते तो जाओ। अरे वो भूत मत वो कितनी? अरे ये क्या मजाक कर रहे हो? रुको मैं जाकर देखता हूँ। कैंडल जलाने के लिए मेरे पास तो नहीं है कुछ। तुमने कैंडल जलाने वाली बात तो नहीं कही थी। रुको एक मिनट, रुको मैं पूछ कर आता हूँ। हटलो। अरे पतलू, तुम लोगों के पास कैंडल जलाने के लिए कुछ है क्या? किसी औरत को चाहिए। अरे वही तो भूतनी भूतमती है नहीं। हाँ अरे क्या बात कर रहे तुम, तुम्हारे पीछे ही खड़ी है, तो भागो। अरे ये क्या? भाई साहब कुछ देने वाले थे ना आप कैंडल जलाने के लिए? नहीं दे रहे हैं। भाग रहे हैं। आप लोग किस लिए भाग रहे हैं? कैंडल जलाने के लिए कुछ देना? हमारे पास कुछ भी नहीं है। भाग रहे हैं। भूतनी। अरे ये यहाँ भी आ गए। चली गई है। ये कभी कभी कुइयां आ जाती है, तब सब कुछ छोड़कर भागना पड़ता है मियां। अरे हम किसका वेट कर रहे हैं? हेलमेट लगाओ और उड़ो जल्दी। हम वहाँ बैठ कर देखते हैं कि आखिर वो करती क्या है और वो है कौन। चलो ये कौन है? पतलू बैठ खुले सुनो और आस पास देखो जो भूत भी कहा है। लगता है चली गई। ये कौन? अरे कौन है इतना बड़ा चेहरा? अरे कौन है हटो साइड में। इस घर का मालिक होना कौन मिया? भाई साहब सॉरी, हम आपकी छत पर आ गए। कोई बात नहीं, पर तुम लोग यहाँ पर उड़कर कैसे आया? हम ये हेलमेट लगाकर उड़ते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। वो क्या है ना कि वहाँ कैंडल वाली भूतनी आ गई थी, इसलिए आप लोग यहाँ के नहीं लगते। अब यहाँ मेरे छत पर आ गए हो तो कुछ खा लो। मैंने उस भूती को आज तक नहीं देखा, अगर दिखाई दे ना तो मेरे को बुलाना। वो क्या है, मैं भूत से थोड़ा डरता, वही छुपके देखता, ठीक है? ओके, हम उस भूतनी को ढूंढते हैं। हाय साहब, कैंडल जलाने के लिए आपके पास कुछ है? भागो भूतनी आ गई। Yeah!
मेरी कैंडल का क्या होना? अरे वो अभी तो नहीं दिख रही है, वो बड़े भैया ने खाने के लिए बुलाया था। चलो चल के कुछ खा के आते हैं। मोटो रुक जाओ, अरे मोटो फ्लाइंग हेलमेट तो लगा लेते जल्दी करो, खाने के लिए कुछ मंगाओ। छत वाले भाई साहब कुछ रोशनी करो, अंधेरा हो गया है। कैंडल से काम चलेगा? हाँ हाँ चलेगा चलेगा। अरे कैंडल जलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होना। अरे ये तो भूतनी है, यहाँ भी आ गई। चलो भागो यहाँ से। हेलो भाई, भूत कुमार हो ना? आप लोगों ने भूत मदी को कैंडल जलाने के लिए कुछ नहीं देना, वो बेचारी कब से परेशान हो ना। अरे रुको 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 मिया, वो क्या है ना कि हमारे भूत नगर में जलाने की चीजें बहुत महंगी होना और हमारे पास पैसा नहीं होना। कितनी महंगी मिलती है, पैसे ले लो खरीद लो। इतने पैसे में अगर नहीं आना तो आइए फिर। भाई साहब आप लोग बार बार भाग जाते हैं, कैंडल जलाने वास्ते कुछ दीजिए ना। पतलो इन भूतों से कैसे पीछा छुड़ाए। जब वो भूत उड़कर आई तब मुझे हीलियम गैस की स्मेल आई। गुब्बारे में भरने वाली गैस की जैसी स्मेल आ रही थी, और ये क्या चक्कर है? भूत नगर में जलाने की चीज बहुत महंगी है। वो हमारे पास पैसे क्यों ले जा रहे हैं? मुझे भी कुछ डाउट हो रहा है, भूत नगरी में पैसों की क्या जरूरत है? दाल में कुछ काला है। अरे पतलो तुम लोगों ने दाल मतलब खाना खा लिया अकेले अकेले, दाल खा लिया। अरे मोटो मोटो एक कहावत है। सॉरी सॉरी फिक्र नोटा, अगर वो नकली है तो मैं अभी जाकर उनको नारियल से गिरा देता हूँ। अगर वो भूत असली हुए तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बाबा आपको अब जाकर नारियल गिरा ही दो, पता चल जाएगा असली है कि नकली। अब मैं क्या करूँ? अरे माँ भूत और भूतनी इधर भी आ गए। इतने में चिंगमा इंस्पेक्टर चिंगमा, और चिंगम के चंगुल से बचना ही इम्पॉसिबल है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। चिंगमार अरे सिंगम सर उठो 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 सर। बच्चों कुछ करो, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइया डॉक्टर कहा वो भूत असली है कि नकली अभी पता चल जाएगा। सुनो पतले तुम तो मुझे जानते ही हो, अभी लो ये है मेरा 3D होलोग्राम प्रोजेक्टर। वो आ जाओ सब लोग साथ में स्कैनिंग करने के लिए। चलो यार चलो। वो देखो हेलो मिस्टर भूत एंड भूतनी। अरे मियां तुम लोग हम पर हंसना। अरे तुम लोग अगर भूत होते तो हमें पकड़ के दिखाओ, हम लोग हमेशा भाग जाते हैं। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है हिम्मत तो हमें पकड़ के दिखाओ। अच्छा तो ठीक होता। आओ 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 पकड़ के दिखाओ। अरे ये सब क्या हो रहा है? पकड़ के दिखाओ। आ जाओ आ जाओ। ऐसा कैसा हो गया? उन लोग कहाँ गए?
अरे हम यहाँ है। अरे पकड़ो पकड़ो, बड़ा मजा आ रहा है। तो असली भूत हो ना तुम लोग, नकली हो क्या? अरे हमें लगा कि आप भी हमारी बिरादरी के ही हो, इसलिए खेलने के लिए आ गए, नहीं तो हम लोगों के सामने आते नहीं। ये लोग सही में भूत हो ना क्या? इधर शायद वो लोग नहीं आना। नहीं खेलता, नहीं खेलता, हम नकली भूत होता। अरे लेकिन हम तो खेल के रहेंगे। ये देखो नकली चोगा, हेलियम के गुब्बारे, इनकी मदद से हम लोग उड़ते थे। ये देखो नकली बाल, नकली दांत। भाई उनको तो मजा जगाने को ना। मेरे को माफी हो ना, माफी हो ना। हम लोगों को डराते थे और जब वो भाग जाते थे तो हम उनके पैसे और सामान चुरा लेते थे। माफी हो ना, माफी। अब इनके साथ क्या करना है वो आप लोग ही डिसाइड कीजिए। यही तो असली भूत होना, दीवार में भी अंदर चले जाते हैं। अरे नहीं नहीं, हम कोई भूत नहीं हैं, वो तो हमने सिर्फ होलोग्राफिक इमेजेस बनाई थी ताकि हम इनके असलियत आपके सामने ला सके, और अब इनके जाने का समय हो गया है। वेरी गुड। भागो।